Everyone, today we will discuss our chapter The Enemy. It's the second chapter of your book Vistas by Pearl S. Buck. Pearl S. Buck, he was born in 1872 and he died in 1973. He was an American writer and novelist, and he was awarded with many prizes during his lifetime, including Nobel Prize. और जहाँ तक हम अपनी इस जो आपका चैप्टर है द एनिमी, इसकी सेटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ सेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. ये सेकेंड वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग सेट किया गया है इस स्टोरी को. और उस समय जो है अमेरिका और जापान, जापान और अमेरिका देवर एट द वॉर, राइट. और यहाँ पर एक हार्ट रेंडिंग स्टोरी है. इट्स अ वेरी टचिंग पोर्ट्रेयल बिटवीन अ मैंस हर्ट एंड माइंड. एक्चुअली इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ जैपनीज डॉक्टर सडाओ हु फाउंड एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इन फ्रंट ऑफ हर हाउस इन अ वेरी बैडली वॉन्डेड कंडीशन, राइट. एंड अ मोमेंट केम व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ in a tone he found himself torn between his duty as a doctor and as a patriot, right. to agar hum is story ki outline dekhe to starting mein sabse pehle jo hai it gives a description of Sadao's house, right. Sadao ke ghar ka description ye deta hai. isme aap dekho ki jo Dr. Sadao ka ghar hai wo ek Japanese coast par hai aur ye ek लो स्क्वेयर स्टोन हाउस है, राइट. एंड इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच आउटलाइन विद बेंट पाइंस, राइट. और इसके बाद वो बताता है कि सडाओ के फादर जो है ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज एजुकेशन, राइट. वो उसके साथ बचपन में ज़्यादा खेलते नहीं थे, लेकिन वो उसकी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे. और वो इसीलिए जब सडाओ 21 इयर्स के हुए तो वो कहाँ जाते हैं, वो अमेरिका उनको भेजा जाता है टू स्टडी सर्जरी, राइट. और अराउंड 30 इयर्स ही रिटर्न्ड, राइट. 30 साल की उम्र में वो वापस आते हैं एंड ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट ऑल्सो एज अ साइंटिस्ट, राइट. सो दिस वॉज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज हाउस एंड अबाउट हिज फादर्स मेन कंसर्न, दैट वॉज हिज एजुकेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सडाओज एक्सपर्ट्स वॉज एन एक्सपर्ट सर्जन, ओल्ड जर्नल कैप्ट हिम इन जापान, राइट. इसमें आप देखोगे कि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था और जापान जो था इट वॉज एट वार विद अमेरिका, राइट. लेकिन फिर भी सडाओ जो एक एक्सपर्ट सर्जन था उसको नहीं भेजा जाता है सोल्जर्स के साथ फ्रंट पर, क्योंकि जो ओल्ड जर्नल था वो बहुत ही उसको लेकर सेल्फिश था एंड उसको ये लगता था कि उसे कभी भी किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब उसकी हेल्थ वाइज वो सही नहीं था और उसे लगता था कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. और वो जो सडाओ जो था उसकी एक्सपर्टाइज पर उसे बहुत ज़्यादा यकीन था और वो इसीलिए उसने जो है सडाओ को वार में सोल्जर्स के साथ नहीं भेजा, बल्कि उसे जापान में ही रखा, राइट. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि वन इवनिंग सडाओ एंड हना फाउंड अ वॉन्डेड अमेरिकन इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस. हना जो है यहाँ पर कौन है, वो सडाओ की कौन है, वाइफ है. तो इसमें आप देखोगे कि एक इवनिंग की बात है जब सडाओ और जो उसकी वाइफ है हना, वो कहाँ खड़े हुए थे, देवर स्टैंडिंग आउटसाइड देयर हाउस. और उनका घर, जैसे आपने पहले देखा कि वो एक नैरो बीच पर है, एक कोस्टल एरिया में है, उसी मोमेंट पे उन्हें इट वाज गेटिंग डार्क, इवनिंग होती जा रही थी, मिस्ट जो है वो कवर करती जा रही थी एरिया को, लेकिन तभी उन्हें लगा कि कुछ उस धुंध में से, उस फॉग में से बाहर निकल कर आया है समुद्र से और फिर वो नीचे गिर गया, राइट. और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें ये शक था कि शायद वो कोई फिशरमैन होगा, लेकिन जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा एक वो मोशनलेस मैन था वहाँ पर. और हना जो है
जब उसने देखा उसे तो उसने क्या कहा, हना ने, शी विस्पर्ड कि ये एक वाइट मैन है। वाइट मैन का मीनिंग क्या है, इट डोंट फॉरगेट कि ये टाइम किसका था, इट वॉज अ टाइम ऑफ वर्ल्ड वार एंड उन्हें डर था कि ये पर्सन जो है वो अमेरिकन ना हो। और ऐसा ही हुआ। कैसे उन्हें पता चला कि वो अमेरिकन है, उन्होंने जब उसको टर्न किया उसके फेस को तो उसके सिर पर की उसकी जो टोपी थी उसके ऊपर US नेवी लिखा हुआ था, राइट। तो वो कंफर्म हो गए थे कि ये जो इंजर्ड मैन है, वोंडेड मैन है, वो कौन है, एक अमेरिकन है। और उन्होंने पता चल गया कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, राइट। और उसके बाद जो है, नाउ सडाओ वॉज टोन बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड एज अ पैट्रियट। यहाँ पर आप देखोगे कि सडाओ जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। ही वॉज इन अ मडल सिचुएशन कि क्या करे वो, राइट। क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो एज अ डॉक्टर वो किसी को भी अपने आँखों के सामने मरने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे उसकी जो मॉरल एथिक्स थे, उसकी जो ड्यूटी थी एज अ डॉक्टर, वो उसे उसकी जो प्रोफेशनल एथिक्स थे वो उसको बाउंड कर रहे थे कि वो एक उस पर्सन की हेल्प करे। लेकिन वो एक पैट्रियट था, वो एक जापानीज था, और वो नहीं भूल रहा था कि अमेरिका जो है वो उसका एनिमी कंट्री है, और उसे जो है इस तरीके से एक एनिमी कंट्री के सोल्जर की हेल्प करना इट्स अ क्राइम, राइट, एक ऑफेंस होगा अपने नेशन के अगेंस्ट, राइट। सो इस तरह की सिचुएशन वो फेस कर रहा था एंड ही वॉज इन वेरी मच कन्फ्यूजन और ही मटर्ड व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, राइट। और उसके दिमाग में एक बार ये भी आया कि इसको उठाकर हम वापस सी में फेंक दें, बट ही कुडंट, और हाना भी ऐसा नहीं कर पाई, राइट। और लेकिन उन्हें ये देवर इन सिचुएशन कि अगर वो उसे रखते हैं अपने पास तो ज़रूर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन वो फेस कर रहे थे और फाइनली दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही वॉज, ही लुक्ड एट द मैन, और हना जो है ही सेड दैट they found, yes, actually Hana observed that these were only one thing left to do, they must carry him to their house. Finally Hana ही कहती है कि इसको हम अपने घर में लेकर जाते हैं, यही रास्ता उनके बीच में बचा है। और सडाओ जो था वो यही सोच रहा था कि जो servants हैं, जो घर में domestic help है, उनकी reaction क्या होगी। और Hana क्या कहती है कि हम उन्हें पहले ही बता देंगे कि हम जो है उसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, राइट। और ये उन्हें करना भी पड़ेगा, अदरवाइज दे वुड बी इन डेंजर, राइट। एंड दिस इज़ हाउ दे डिसाइडेड, दे टुगेदर लिफ्टेड द मैन, राइट। एंड जब उन्होंने उसको उठाया तो वो बहुत ही लाइट वेट था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि उसे मे बी कॉन्सेंट्रेटेड जो कैंप्स थे उसमें उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, उसे भूखा रखा गया था, और उसका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और इस तरीके से वो दोनों उसे उठाकर एक एम्प्टी बेडरूम में लेकर जाते हैं, और उन्होंने देखा कि उसका जो वुंड था उसमें से जो ब्लड बह रहा था, सडा उसमें पहले ही जो मोस है, सी मोस है, उससे फिल कर देता है उस वुंड में से जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए, राइट। लेकिन अभी उन्हें पता चल रहा था कि अभी उसे उसके वुंड को, उसकी बॉडी को साफ करने की ज़रूरत है। और इसीलिए फाइनली दे टुक हिम टू द हाउस एंड द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प हिम आउट। एक्चुअली इसमें जो उनके सर्वेंट्स हैं, देर वॉज अ कुक, देर वर एक्चुअली थ्री सर्वेंट्स हैं उनके घर में, वन कुक, देन अनदर वन इज़ गार्डनर, और थर्ड वन इज़ यूमी। यूमी जो है वो उनके बच्चों की देखभाल करती है, राइट। और इस तरीके से आप देखोगे कि जब उसको रूम में ले जाकर लिटाते हैं तो सडाओ जो है उस पेल उस मैन का, वाइट मैन का जो फेस है वो एकदम पेल था, और सडाओ फेल्ट कंपेल्ड टू फील हिज नर्व्स, राइट, कि वो जिंदा तो है, और उसने उसको फील किया, राइट। और उसने ये कहा कि अभी तो ये जिंदा है, और इसीलिए उसने कहा कि लेकिन हमें जल्दी ही इसका कुछ करना पड़ेगा। और ये कहकर सडाओ जो है वो बाहर चला जाता है, और हना जो है ही हैज़ अ फीलिंग ऑफ रिपल्शन फॉर द वाइट मैन, क्योंकि एक तो
उसका जो एक्सपीरियंस था, आप इसमें देखोगे कि हना और जो सडाओ है, दे स्टडीड इन अमेरिका और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा वहाँ पर, राइट? उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिजडाइज फेस किया वहाँ पर अमेरिका में रहते हुए, और साथ में प्रेजेंट जो सिचुएशन थी वो इसको और ज़्यादा गहरा कर रही थी, और इसीलिए हना जो है वो एक वाइट मैन को बियर नहीं कर पा रही थी. ही फाउंड हिम टोटली रिपल्सिव, राइट? और इसीलिए वो भी बाहर आ जाती है और वो यूमी के पास जाती है और यूमी को वो बताती है उस पर्सन के बारे में और उसे वो रूम में लेकर आती है. लेकिन यूमी जो है वो ओपन डिफाइंस शो करती है, मतलब साफ मना कर देती है वो उसकी हेल्प करने से, और वो कहती है कि उसने कभी भी एक वाइट मैन की हेल्प नहीं की अपनी लाइफ में, राइट? और हना जो है वो इस सिचुएशन में कुछ और नहीं कह पाती और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है यूमी को रूम से. और हना ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो खुद ही उस मैन को क्लीन करेगी, उसकी बॉडी, अपर बॉडी को क्लीन करेगी, राइट? और इतनी देर में सडाओ जो है वो अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वहाँ पर आ जाता है. इसका मतलब क्या था कि उसने डिसाइड कर लिया था दैट ही इज़ गोइंग टू ऑपरेट ऑन द वाइट मैन, राइट? एंड दिस इज़ द ओनली वे, दिस वॉज द ओनली वे लेफ्ट फॉर हिम टू सेव दैट मैन, राइट? और वो कहता है कि हना जो है वो उसे उसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी ड्यूरिंग ऑपरेशन. और वो ये कहता है कि हना तुम्हें एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा इसे. और हना जो है उससे पहले उसने कभी भी जो है ऑपरेशन जो है नहीं देखा था, और उसे वो जो साइट था वो बहुत ही शी फेल्ट लाइक वॉमिटिंग, और वो बाहर जाकर वॉमिटिंग करने लगती है. लेकिन दोबारा वो अंदर आती है और उसने पूछा कि कैसे वो उसे एनेस्थेटिक दे, और वो उसे एनेस्थीसिया देती है. देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसीजन द बुलेट वॉज आउट. यस, उसके जो लोअर बैक में एक बुलेट जो था, बुलेट अभी भी अंदर था उसमें. जो आप देखोगे सडाओ जो है ही वॉज अ परफेक्ट सर्जन, और बीच बीच में वो अपनी जब वो पढ़ाई करता था वो टाइम भी उसे याद आता है कि कैसे उसे जो एनाटॉमी का प्रोफेसर था उसने उसे कितनी अच्छी तरह पढ़ाया था हर एक ह्यूमन बॉडी के एटम के बारे में, राइट? उसने एनाटॉमी के प्रोफेसर की बात याद की कि अगर आप ह्यूमन बॉडी के हर एटम को अच्छे से नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप एक सर्जरी करके मर्डर कर रहे हो, राइट? तो इसका मतलब वो बहुत ही परफेक्ट सर्जन था, और उसने किस तरीके से एक प्रिसाइज इंसीजन मतलब एक कट लगाया और बुलेट जो है वो बाहर आ गया. एंड देन द मैन क्वेयर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, है ना? वो कांप गया वो आदमी दर्द के मारे, लेकिन वो अभी भी अनकॉन्शियस था. सडाओ गेव हिम एन इंजेक्शन एंड द मैन्स पल्स ग्रू स्ट्रॉन्गर, राइट? दिस इज हाउ सडाओ डिसाइडेड टू ऑपरेट एंड फाइनली द मैन वॉज आउट ऑफ डेंजर. यस, मूविंग अहेड इन आर स्टोरी वी सी नेक्स्ट पॉइंट दैट हना सर्व द वाइट मैन हिमसेल्फ. यस, आपने देखा हना सर्व द वाइट मैन हर सेल्फ, राइट? आपने पहले देखा कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने ओपनली मना कर दिया था दैट दे आर नॉट गोइंग टू सर्व द वाइट मैन बिकॉज ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, राइट? तो वो उसको सर्व करती थी, उसने खुद अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, राइट? और इस तरीके से आपने देखा द यंग मैन रिकवर्ड, ही वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. द सर्वेंट डिसाइडेड टू क्विट इफ देयर मास्टर कैप्ट द एनिमी हिडन देयर, राइट? और जो सर्वेंट्स थे वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, वो इसे ट्रेचरी का एक हिस्सा मान रहे थे, एक देशद्रोह का हिस्सा मान रहे थे. उन्हें ये लग रहा था कि उन्हें उनके जो मास्टर है सडाओ, उन्हें अपने जो डॉक्टर होने पे इतना घमंड हो गया है कि वो अब एक जो है वो एक एनिमी तक का हेल्प करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं, राइट? लेकिन जो इसीलिए ऑन द सेवंथ डे सर्वेंट्स लेफ्ट. यस, जो सर्वेंट्स थे दे गेव अप देयर जॉब, दे डिसाइडेड टू लीव द हाउस. और सभी जो सर्वेंट्स थे, जो तीन सर्वेंट्स थे, उन्होंने द
they left together the house. Hana carried the morning food to the prisoner, और हना खुद खाना लेकर गई prisoner के पास. लेकिन जब वो वापस आई तो उसने सडाओ से ये कह दिया कि अब उन्हें clearly जो उन्हें करना चाहिए अब उन्हें वो ही करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि उन्हें as soon as they should get rid of that white man, उससे उन्हें छुटकारा पा लेना चाहिए. राइट. एंड इन द आफ्टरनून अनदर थिंग हैपन ऑन सेवन डे. और वो क्या था, एक जो मैसेंजर था वो वहाँ पर आता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, और हाना उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है. उसे लगता है कि कहीं सर्वेंट्स ने जो है उनकी शिकायत तो नहीं कर दी है. और जैसे ही उन्हें उसे ये पता चलता है कि मैसेंजर जो है वो वहाँ पर ओल्ड जर्नल ने भेजा है और वो बहुत ज़्यादा पेन में है, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सडाओ को बुलाया है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है. और इस तरीके से जब वो वहाँ से सडाओ मैसेंजर के साथ जा रहा होता है तो वो हाना से यही कहता है कि वो ज़रूर अब इस वाइट मैन से जल्द छुटकारा पा लेगा. राइट. और जब सडाओ जो है ओल्ड जर्नल के पास जाता है, देन ही इन्फॉर्म हिम अबाउट द वाइट मैन. उसने उसे बताया कि कैसे उसने एक वाइट मैन का ऑपरेशन किया है, और जो ओल्ड जर्नल था वो बस उसे यही कहता है कि सडाओ के अलावा वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता अपने ट्रीटमेंट के लिए. दैट्स वाई ही फाउंड हिम इंडिस्पेंसेबल. उसकी जो मास्टरी है सर्जरी पर वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, और इसीलिए वो प्रॉमिस करता है सडाओ से कि वो अपने प्राइवेट असेशंस को भेजेगा टू किल द वाइट मैन. राइट. और अगर वो चाहे तो वो उसकी बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे. और इस तरीके से असेशंस मतलब किलर्स, कि प्राइवेट किलर्स को भेजेगा टू किल दैट वाइट मैन. और सडाओ इसके लिए हाँ कर लेता है, और वो कहता है कि जो यहाँ पर आप देखोगे कि ओल्ड जर्नल उसे कहता है कि वो रात को जो है विंडोज़ को खुला रखे, जो पार्टीशन है उनको खुला रखे ताकि असेशंस अंदर आ जाएं. और सडाओ जो है वो 3 रातों तक उन असेशंस का वेट करता है, लेकिन किलर्स वहाँ पर एक्चुअली में नहीं आते हैं. राइट. फाइनली व्हाट ही डिड, ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ एस्केप ऑफ द वाइट मैन. उसने एक प्लान बनाया कि वो अब जो है किसको जो वाइट मैन है उसका एक सेफली उसको वो वहाँ से निकाल देगा जापान से. राइट. और वो क्या करता है, उसने एक बोट का अरेंजमेंट किया, उसमें उसने फूड रखा, एक्स्ट्रा क्लॉथिंग रखी, वाटर बॉटल्स रखी, और उसने उसे बताया कि पास ही में एक आइलैंड है, वहाँ पर तुम्हें जाना है. राइट. और उस आइलैंड को फोर्टिफाइड नहीं किया गया है. राइट. क्योंकि वहाँ पर कोई रहता नहीं है, क्योंकि वो जो है वो स्टॉर्म में समर्ज हो जाता है, डूब जाता है वो आइलैंड. और वो कहता है कि अब सीज़न नहीं है स्टॉर्म का, तो वो बिल्कुल खाली है, और तुम वहाँ जाके रहो. और जो कोरियन शिप है, अगर वहाँ से कोई कोरियन शिप तुम्हें जाता हुआ नज़र आता है तो उसकी तुम हेल्प ले लेना. राइट. तो इस तरीके से वो उसको कुछ सिग्नल्स भी बताता है कि अगर वो खाना और पानी उसके पास ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी लालटेन उसे देता है, और वो कहता है कि जब सूरज जो है वो डूबने वाला हो तो तुम मुझे उसको ब्लिंक कर देना, तो मुझे उसका आइडिया हो जाएगा. राइट. तो इस तरीके से वो उसको सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो कैसे वहाँ से बचकर निकल पाता है. और इस तरीके से जो वो वाइट मैन था वो वहाँ से निकल जाता है. ठीक है. और द प्रिजनर वॉज नाउ ड्रेस्ड इन जैपनीज क्लोथ, अ ब्लैक क्लोथ वॉज रैप्ड राउंड हिज ब्लॉन्ड हेड. ही फाउंड द वे टू द बोट, सडाओ वेटेड टिल ही वॉज फ्लैश ऑन द शोर. राइट. और उसी रात को जो है सडाओ को रात को बुलाया जाता है. ओल्ड जर्नल ने उसे बुलाया था क्योंकि एक इमरजेंसी उसे ऑपरेशन करना था, एंड इट इन्वॉल्व गॉल ब्लैडर. और इस तरीके से वो ऑपरेशन उसका करता है 12 आवर्स तक जो है. फॉर 12 आवर्स सडाओ हैड नॉट बीन श्योर द जर्नल वुड लिव, इट वॉज अ सीरियस ऑपरेशन. राइट. देन ही बिगेन टू ब्रीद डीपली अगेन एंड टू डिमांड फॉर फूड. 12 घंटे के बाद जो है वो उन्हें थोड़ा सा राहत का सांस आई जब जो ओल्ड जर्नल था वैन ही डिमांडेड फॉर फूड. राइट. लेकिन सडाओ ने ये सोचा कि अभी जो है वो असेशियंस के बारे में पूछने का करेक्ट टाइम नहीं है, और वो वापस आ जाता है. और जब वो घर आता है तो उसने देखा कि कुछ ही समय बाद उसके सर्वेंट्स जो है वो काम पर लौट आते हैं, एंड द रूम वॉज क्लीन. राइट.
One week after operation, क्या होता है, सडाओ told him that the white man had escaped. एक हफ्ते के बाद सडाओ जो है वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो ओल्ड जनरल को बता देगा कि जो वाइट मैन है वो वहाँ से भाग गया है. एक्चुअली उसने भगाया था, लेकिन उसने ओल्ड जनरल को यही बताया कि वो भाग गया है, राइट. और इस पर जो ओल्ड जनरल था वो यही कहता है कि वो इतना ज़्यादा एनग्रोस हो गया था अपने खुद के पेन में, अपने हेल्थ में, जो हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था और सेल्फिशनेस में कहीं ना कहीं अपना प्रॉमिस भूल गया था. द प्रॉमिस वॉज टू सेंड द प्राइवेट असेशियंस, राइट. और वो कहता है कि मैं भूल गया था, और लेकिन वो ये भी सडाओ को कहता है कि मेरे अंदर कहीं भी जो है वो पैट्रियटिज्म की कमी नहीं है. तो इस तरीके से सडाओ और जो ओल्ड जनरल है वो एक डील करते हैं कि दोनों जो है वो उस वाइट मैन को लेकर चुप रहेंगे, दोनों जो है वो एक दूसरे की बातों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. तो इस तरीके की डील उनके बीच में होती है. और जो ओल्ड जनरल फाइनली सडाओ फाउंड द मैन हैड एस्केप. और इसी इवनिंग जो है सडाओ फिर से उस आइलैंड की तरफ देख रहा था, और उसने क्या देखा कि जो प्रिजनर है वो जा चुका है, वो सेफ, क्योंकि उसने कोई लाइट जो है वहाँ पर नहीं देखी. एंड सडाओ वंडर्ड व्हाई ही कुड नॉट, बट स्टिल ही वाज वंडरिंग व्हाई ही हैड हेल्प हिम, कि क्यों उसने हेल्प किया उस वाइट मैन को. देखिए उस समय जो है लास्ट में आप देखोगे कि उसे जो उसके चेहरे थे जब वो अमेरिका में पढ़ने गया था, तो उसके पास उसके आँखों के सामने वो सभी चेहरे आ रहे थे अमेरिकन्स के जिनसे वो मिला था, जिनको वो जानता था. सबसे पहले उसके सामने किसका चेहरा आता है, उस प्रोफेसर का चेहरा आता है जिसके घर में वो हाना से मिला था. हालांकि उस प्रोफेसर को वो ज़्यादा लाइक नहीं करता था, और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी उस प्रोफेसर की, और उसके घर भी वो नहीं जाना चाहता था. लेकिन एक दिन जाने के लिए वो बड़ा ही थैंकफुल है उस दिन के लिए, क्योंकि एक दिन वहाँ पर वो गया और वहाँ पर वो हाना से उसके घर में मिला, राइट. फिर वो अपने एनाटॉमी के प्रोफेसर को याद करता है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा उसने उन्हें जो है एनाटॉमी पढ़ाया, और उनको बहुत सारी जो प्रिसाइज नॉलेज होती है उसके बारे में उन्हें समझाया, राइट. इसके साथ ही वो उन लोगों को याद करता है अमेरिका में जिन्होंने उसको साथ भेदभाव किया, जो उन्होंने रेसिज्म का उसने फेस किया, वो भी उसे याद आती है. और उसकी वजह से उसे घर ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी रहने के लिए. और फाइनली उसे एक साथ में उस अपनी लैंडलेडी का फेस याद आता है जो बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव थी, लेकिन उसने उसे अपने घर में रखा. और क्यों उसे जो है वो रिपल्सिव लगी, बिकॉज उनके घर जो है वो बहुत छोटे से होते थे, और उनका खाना भी जो है वो सडाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था. एंड दैट्स वाई ही फाउंड them very repulsive. और फाइनली उसे चेहरा याद आता है उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर का जो उसके सामने था, और वो वाइट था. उसे पता था कि वो एक अमेरिकन है, लेकिन फिर भी उसने उसकी हेल्प की, और हेल्प क्यों की, एज अ डॉक्टर ओनली, ठीक है ना. एज अ जैपनीज पैट्रियटिक होने के नाते जो है वो हमेशा चाहता था कि वो उसको हैंड ओवर कर दे पुलिस के, लेकिन उसका जो उसके जो प्रोफेशनल एथिक्स थे वो जीत गए, और उसका जो एक माइन्यूट उसकी जो थिंकिंग थी उसके सामने वो हार गई, राइट. तो ये आपका चैप्टर था द एनिमी. थैंक यू.